हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड योगेश सर, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक स्पेशल क्लास जो कि है हमारी नंबर सिस्टम रियल नंबर चैप्टर की। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स। अब रियल नंबर चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को काफ़ी टफ फील होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना, जितनी बड़ी हमारी मेहनत होगी उतनी ही बड़ी हमारी जीत होगी। तो आपको संघर्षों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपको कोई भी चैप्टर टफ लगता है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर्स में वो सारे के सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स में वो सारे के सारे नंबर्स आते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। चलिए अगर हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं तो वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, और ऐसे ही चलते चलते हम नाइन तक पहुंचे। जब हमारे पास जीरो नहीं था तो क्या नाइन के आगे की काउंटिंग पॉसिबल रही होगी? नहीं रही होगी। लेकिन जब हमारे पास जीरो भी आ गया, देखिए जब हमारे पास जीरो भी आ गया तो आगे की काउंटिंग भी पॉसिबल हो गई। और सेकंड थिंग, अगर हम लोग बात करें तो जीरो अगर काउंट कर लिया जाए तो जीरो के बाद वन टू थ्री एंड सो ऑन, आपके जो नंबर्स हैं वो लिखते आप चले जाओगे ना, कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। आप अपने घर की दीवाले पोत दो, उसके बाद पड़ोसी के घर चले जाओ, तब भी ये नंबर्स खत्म नहीं होने वाले हैं, इनका कभी कोई लास्ट नहीं है। तो अगर जीरो भी आप काउंट कर लोगे तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा होल नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर्स क्या बनते हैं? ये सारे के सारे नंबर्स बनते हैं होल नंबर्स। उसके बाद ऑड एंड इवन की कंडीशन तो आपको पता ही है। ऑड नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन एग्जिस्ट करता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स की बात भी हम लोगों ने क्लियर कर ली कि ऑड नंबर्स हम लोग किन्हें बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वो सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। सच एज 13, 17, 21, 29, 33, ये सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर की अगर हम लोग बात करें कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जिन नंबर्स के लास्ट में, इवन ऑड नंबर्स के लास्ट में हमने आपको क्या बताया? 1, 3, 5, 7, 9। अब इनके अलावा हमारे पास कौन से नंबर्स बचते हैं सोचिए। इनके अलावा हमारे पास बचता है 2, 4, 6, 8 एंड 0। तो जिन भी नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 एग्जिस्ट करेगा, वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे? वो सारे के सारे नंबर्स डियर स्टूडेंट्स होंगे इवन नंबर्स। एग्जांपल 24, 26, 32, 38, 46, 54, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। चलिए अब यहां पर अगर हम लोग नंबर लाइन में नंबर की बात करें तो आपने देखा होगा कि नंबर लाइन में हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है जीरो, और उससे अगर हम लोग राइट साइड मूव करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमें निगेटिव नंबर्स मिलते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? तो याद रखिएगा कि जीरो के अगर हम लोग पॉजिटिव साइड चलते हैं तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 सच एज, ये हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाते हैं। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड मूव करें तो -2, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, हमें निगेटिव नंबर्स मिलते चले जाते हैं, निगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर हम लोग बात करते हैं वन से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे के सारे होते हैं इंटीजर्स, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हें हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जी हाँ, इन्हें ही बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो निगेटिव साइड, इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। ये तो बात हुई हमारी नेचुरल नंबर की। फिर हम लोगों ने बात की होल नंबर की, फिर ऑड नंबर, इवन नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की, जब हमारे पास टॉपिक आएगा और हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे से अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से नंबर्स के बारे में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपको क्लियरिफाई हो गई होगी कि कौन से नंबर्स कहाँ पर यूज होते हैं और क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके एक एल्गोरिदम भी है जिसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। तो क्या कहता है ये? मान लीजिए आपके पास कोई डिजिट है 25,
और आप उसे डिवाइड कराते हो 8 से, तो क्या होगा? आप देखोगे यहाँ पर कि अगर आप 25 को 8 से डिवाइड कराते हो, 8 थीजा 24 हो गया और यहाँ पर आपके पास 1 हो गया रिमाइंडर। अब यहाँ पर आप चीजों को कैसे इलेबरेट करते हैं? अगर हम लोग 8 की बात करें तो 8 को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। 8 हमारे लिए क्या है? डिवाइजर। 25 क्या है? 25 हमारे लिए बनता है डिविडेंड। 25 को हम लोग डिविडेंड के नेम से जानते हैं। 3 क्या है हमारे पास? 3 हमारे पास आ गया क्वोशेंट, तो ये 3 हो गया हमारे लिए क्वोशेंट। और 1 क्या है? 1 है हमारे लिए रिमाइंडर। क्या इन सभी, ये जितनी भी आपके सामने क्वांटिटीज लिखी हुई है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट या फिर रिमाइंडर, क्या इन सबका आपस में कोई रिलेशन होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल रिलेशन होता है। देखिए यहां पर अगर आप 8 का मल्टीप्लाई कराइए 3 में और उसमें 1 ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा? 8 थीजा 24 प्लस 1, आपको मिल जाएगा 25। 8 क्या था आपके लिए? 8 था आपके लिए डिवाइजर। 8 क्या था आपके लिए? डिवाइजर। 3 क्या था आपके लिए? 3 था क्वेश्चन। और 1 क्या था आपके लिए? 1 था रिमाइंडर। जब आपने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो आपको मिला 25, और 25 क्या था आपके लिए? 25 था आपके लिए डिविडेंड। तो यहां से एक चीज आपके पास क्लियर हो गई कि इन सभी का रिलेशन क्या है आपके पास। इन सभी का रिलेशन है कि अगर आप डिवाइजर में क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कराएंगे और रिमाइंडर उसमें ऐड कर देंगे तो आपको यहां से डिविडेंड की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब ये सारी चीजें तो हम लोगों को क्लियर है। अब इसी चीज को जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? देखिए मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास a और हम उसको b से डिवाइड कराएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम लोग a को b से डिवाइड कराते हैं तो कुछ तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। हो सकता है रिमाइंडर जीरो आए पर कुछ ना कुछ तो बच सकता है ना। अगर हमारा क्वेश्चेंट कुछ आएगा, यहां पर भी रिमाइंडर की कंडीशन आ रही है तो यहां पर भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो इसे आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अगर आप किसी भी नंबर a को b से डिवाइड कराते हो तो ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वेश्चेंट और ये हो गया रिमाइंडर। अब यहां पर रिमाइंडर की क्या कंडीशन हो सकती है जरा ये सोचिए। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग 3 से डिवाइड कराते हैं 9 को तो क्या होगा? 3 3 जा 9 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा आपके पास। अगर हम लोग 3 से डिवाइड कराते हैं 10 को तो क्या होगा? 3 3 जा 9 और आपके पास रिमाइंडर की कंडीशन आ गई 1। अगर हम लोग 3 से डिवाइड कराएं 11 को तो क्या देखेंगे? 3 3 जा 9 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। जैसे ही हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मिला 12 और 12 को हम 3 से डिवाइड कराएं तो क्या यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 रिमाइंडर होगा? नहीं, क्योंकि 3 तो हमारे पास डिवाइजर है ना। और हम मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम टाइम से डिविडेंड को डिवाइड कराएं, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और आपके पास रिमाइंडर वापस से आ जाएगा 0। जैसे ही आप और ज्यादा नंबर इंक्रीज करोगे तो 0 के बाद फिर से 1, फिर से 2 रिपीट होगा, फिर से 0 की कंडीशन आएगी। तो आपने क्या देखा कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइजर से ज्यादा या उसके इक्वल नहीं हो सकता। यहां पर डिवाइजर 3 था तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 से लेकर के लेस देन 3, मतलब 3 के जस्ट पहले तक एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहीं पर हम 6 से डिवाइड करा रहे होते तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो सकता था, ना तो वो 6 हो सकता था और ना ही ग्रेटर देन 6 हो सकता था। तो रिमाइंडर की कंडीशन यहां पर आपने देखी कि रिमाइंडर आपका 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये हो गया रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अब आपने देखा कि आपके पास डिवाइजर अगर 3 है तो ऑलवेज रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? डिवाइजर से कम आ रही है। तो यहां पर अगर आपको रिमाइंडर की कंडीशन क्लियरिफाई करनी हो तो आप क्या बताओगे कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर, अब यहां पर डिवाइजर आपने b लिया हुआ है तो चलिए b से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कभी भी डिवाइजर से बड़ा या उसके इक्वल हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां से आप ये बात समझिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर a है और हम उसको b से डिवाइड कराते हैं, ये 2 इंटीजर्स ले लिए आपने, तो
ए का फॉर्मेट क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये लिख दिया आपने, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहां पर जो रिमाइंडर की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन डिवाइजर। यहां पर डिवाइजर हमारे पास बी है तो हम लोगों ने बी से रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से आपको एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सच दैट अगर हम लोग बात करते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने अपने मन से डिजिट ले ली 405 एंड 2520, 405 एंड 2520। अब यहां से हमें HCF फाइंड करना है, तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर आपको टू नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 405 स्मॉलर नंबर है एंड 2520 ग्रेटर नंबर है, तो यहां पर जो भी आपके पास स्मॉलर नंबर होगा हम लोग उसे कंसीडर करेंगे एज अ डिवाइजर, और यहां पर हम 2520 को कंसीडर करेंगे एज डिविडेंड। तो यहां पर आप क्या कराइए, यहां पर आप 2520 को डिवाइड कराइए किससे, 405 से। देखिए क्या देखने को मिलेगा, अगर आप 405 से डिवाइड करा रहे हैं 2520 को तो कितने टाइम्स जाना चाहिए, 4 6 24, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स जब ले जाएंगे 6 5 30 हो गया, 6 4 24, आपके पास बचा क्या 0 0 0, 12 3 9, अब ये 5 से तो 12 हो गया, तो 4 4 0, कुछ भी नहीं बचा, आपके पास बचा 90। अब ये जो 90 है, इस 90 से आप डिवाइड कराओगे 405 को, ठीक है, 90 से डिवाइड कराते हैं 405 को, तो 9 का टेबल पढ़िए कि 40 से ज्यादा ना होने पाए, क्या होगा, तो यहां पर आप देखेंगे 9 4 36, 4 टाइम्स 400 4 9 36, 405 में जब आप 360 को लेस कराएंगे तो आपके पास बचेगा 45। ओके, वेरी गुड, अब आपके पास बच गया 45, अब आप डिवाइड कराएंगे 90 को, तो 90 को डिवाइड कराएंगे 45 से, 45 2 90, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। आपको तब तक डिवाइड कराना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा तब आप देखिए कौन से डिजिट से पूरा डिविजिबल हुआ, 45। इसका मतलब है कि एचसीएफ ऑफ 405 and 2520 is 45। इन दोनों डिजिट्स का जो LCM HCF आएगा वो HCF क्या होगा, 45 होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई न्यूली डिजिट्स ले लेते हैं। सपोज करिए आपने ले ली 867 एंड 255, ये डिजिट्स हैं आपके पास। अब प्रोसेस हमारी क्या कहती है, प्रोसेस हमारी कहती है कि हमारे पास जो स्मॉलर डिजिट है उससे हमें ग्रेटर डिजिट को डिवाइड कराना है, तो यहां पर हमारे पास 867 ये ग्रेटर डिजिट है और 255 ये स्मॉलर डिजिट है, तो 867 ये रहा हमारे पास और हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे 255 से, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है HCF, किसका 867 एंड 255 का, देखते हैं क्या आना चाहिए। अब यहां पर आपको 867 डिवाइड करा रहे हैं 255 से, क्या हो जाएगा, 25 2 50 25 3 75, तो यहां 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा इजीली, 3 5 15 कैरी हो गया 1 आपके पास, 3 5 15 116, 3 2 6 17, 7 5 2, 6 6 0, 8 7 1, अब यहां पर आपके पास ये जो 102 मिल गया इससे आप डिवाइड कराएंगे 255 को। चलिए 102 से 255 को डिवाइड कराइए, तो यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा 10 2 20, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 204, आपके पास बच गया 51। अब ये जो 51 बच गया है इसे किससे डिवाइड कराएंगे, 51 से 102 को डिवाइड कराएंगे, तो 102 को डिवाइड कराया, 51 2 102, और यहां पर रिमाइंडर आ गया 0। आपको तब तक डिवाइड कराना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको चेक करना है कि लास्ट ऐसी कौन सी डिजिट थी जिससे पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, तो यहां पर HCF आ गया आपके पास 867 एंड 255 का 51। तो यहां से ये सारे के सारे
एचसीएफ फाइंड करने वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। तो इसके एप्लीकेशंस में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? वहां पर हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया जाता है और हमें उस फॉर्मेट को फाइंड करना होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर, जहां पर m कोई इंटीजर है। अब यहां पर आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए जो फॉर्म है वो क्या बनेगा, या तो 6m+1 बनेगा, या फिर 6m+3 बनेगा, या फिर बनेगा 6m+5। आपको ये चीज रिप्रेजेंट करनी है। चलिए, अब कैसे इस क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे? ये एप्लीकेशन है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। आइए यहां पर इस रिप्रेजेंटेशन को फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो फॉर्मेट क्या बन रहा है, 6m+1, मतलब जो आपका डिवाइजर का टर्म है वो आ रहा है 6। तो यहां पर आपको ले लेना है लेट ए इज अ नंबर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब आपके पास यहां पर कोई नंबर ए है जिसे आपने 6 से डिवाइड किया है, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बनेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बनेगा। मान लीजिए कोई नंबर ए है और उसे आप 6 से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या कहता है, ए इज इक्वल्स टू 6q+r। हमारा रिलेशन हो गया ए इज इक्वल्स टू 6q+r, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 6q+r। अब आपको क्या बताया गया है, आपको ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन डिवाइजर होगा। तो यहां पर डिवाइजर है आपके पास 6, तो रिमाइंडर की कंडीशंस क्या बनती है, रिमाइंडर की कंडीशंस आपकी बनेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपका रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होके डिवाइजर के जस्ट पहले वाले टर्म तक जाएगा। तो अगर आपका डिवाइजर है 6 तो आपके पास रिमाइंडर की कंडीशंस हो गई 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अब इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो जब आप रिमाइंडर की वैल्यू रखते हैं 0, तो यहां पर आप देखेंगे a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, या फिर आप यहां से फर्स्ट कंडीशन व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब r की वैल्यू आप 0 प्लेस करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 6q+r, तो प्लस 0 हो गया, तो रिमाइंडर की कंडीशन यहां से खत्म हो गई। चलिए सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन में आपसे क्या कहा गया है, सेकंड कंडीशन में आपसे कहा गया है व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। अब r इज इक्वल्स टू अगर आप 1 प्लेस कराएंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 6q+r, तो रिमाइंडर की जगह हो गया 1। ओके, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। तो थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कहता है कि रिमाइंडर आपको लेना है 2। तो अगर आप रिमाइंडर 2 लेते हैं तो a की कंडीशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू 6q+r ये बन गया आपके लिए 6q+2। चलिए फोर्थ कंडीशन की तरफ चलते हैं। फोर्थ कंडीशन में आपको r रखना है 3, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3, देन a क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा 6q+r, तो रिमाइंडर की कंडीशन 3 रखने पर ये हो जाएगा 6q+3। फिफ्थ कंडीशन में जब आपके पास रिमाइंडर क्या है 4, तो उस समय a क्या बनेगा 6q+4। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, When r is equals to 5, तो आपके पास a क्या बनेगा 6q+5। ये तो हमारे पास कंडीशंस बन गई। अब आपको यहां पर क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर देखने हैं। तो आइए देखते हैं किनमें ऑड नंबर बनते हैं। तो अगर कोई भी नंबर ऑड होगा तो क्या वहां से 2 कॉमन आएगा, कभी भी नहीं, वहां से 2 कॉमन नहीं आएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे लिए 6q, तो ये हमारे लिए 2 कॉमन आ गया, बचा हमारे पास 3q। सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें 6q+1, क्या यहां से 2 कॉमन आएगा, जी नहीं, यहां से तो 2 कॉमन नहीं आएगा। थर्ड कंडीशन की बात करें 6q+2,
तो यहां से हमारे पास 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 3q+1। अगर हम लोग फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं, यहां से भी 2 कॉमन नहीं होगा। फिफ्थ कंडीशन, अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा आपके पास 3q+2। फिफ्थ लास्ट कंडीशन में हमारे पास बिल्कुल भी 2 कॉमन नहीं आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखिए आपके पास 3q हो गया क्वेश्चन। अगर आप इस 3q को सॉल्व करें तो आपके पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा ना, आपके पास कोई इंटीजर आएगा और क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा वेयर m इज सम इंटीजर। तो अगर कोई इंटीजर आता है तो आप इस 3q की जगह m प्लेस कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन बनी आपके पास 2m, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपके पास 2m की। सेकंड कंडीशन आपके पास ये 6q+1 ही होगी। और अगर आपके लिए q क्वेश्चन है, जब आप उसे सॉल्व करेंगे इंटीजर आएगा, तो आप इसकी जगह पर क्या प्लेस कर सकते हैं, m प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया 6m+1। चलिए थर्ड कंडीशन में 3q, तो ये हो गया आपके लिए, थर्ड कंडीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बनेगा m, तो यहां से 2, ये बन जाएगा m+1। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब बात करेंगे ऑड नंबर्स की। तो यहां पर हमने देखा r=1 की कंडीशन, r=3 की कंडीशन एंड r=5 की कंडीशन। ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो हमें ऑड नंबर, ऑड इंटीजर रिप्रेजेंट करा रही हैं। तो आपने यहां पर देखा कि आपके लिए अगर कोई भी ऑड नंबर है तो उसका फॉर्मेट कैसा आ रहा है, या तो वो फॉर्मेट 6m+1 आ रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हो गया हमारे लिए 6m+3, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो गया हमारे लिए 6m+5। तो यहां से हमारे पास जो ऑड नंबर के फॉर्मेट्स बने वो क्या बने, वो हमारे लिए 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5 बनते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में इवन नंबर दिया होता तो क्या होता, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मेट बनता 2m+1 फॉर्मेट बनता 2m। यहां से अगर आप इसे अलग ना भी करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6q+2, तो ये बन जाता 6m+2। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 6m, और ये क्या हो जाता, ये हमारे लिए 6q+4 के अकॉर्डिंग हो जाता 6m+4। तो अगर हम लोग इवन की बात करते तो आता 6m, 6m+2 एंड 6m+4। यहां पर हम लोग ऑड की बात कर रहे हैं तो आएगा 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसी चीज के एप्लीकेशन में हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन आ सकता है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो सबसे पहले आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर a को आप किसी भी चीज से डिवाइड कराओगे, सच एज डिवाइड करा रहे हो 3 से, तो यहां पर क्या बनेगा, 3q+r का फॉर्मेट बनेगा। अब अगर आप 3 से डिवाइड कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कराने की कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है। क्या वो कभी भी 3 या फिर ग्रेटर देन 3 हो सकता है, नेवर, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या कंडीशंस बनेंगी, कंडीशंस बनेंगी आपके पास, फर्स्ट a इज इक्वल टू 3q+0, तो ये सिर्फ 3q आया। सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, a इज इक्वल टू 3q+1 आ गया आपके पास। और थर्ड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो a आ गया आपके पास 3q+2। अब आपसे कहा गया स्क्वायर, आप अगर क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां पर अगर आप स्क्वायर करा रहे तो ये कंडीशन मिल गई 3q² की, ये कंडीशन मिल गई आपको 3q+1² की, और ये कंडीशन मिल गई आपको 3q+2 के होल स्क्वायर की। ओके, ये कंडीशन आपको मिल गई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर जब आप स्क्वायर ओपन कराएंगे तो ये हो गया 3×3=9 और ये हो गया q²। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू हमारे लिए बनेगी 3×3=9 q² प्लस 3×2=6q+1। और अगर हम लोग 3q+2 की बात करें तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 3×2=12q प्लस 2×2=4। ठीक है, वेरी गुड। देखिए 9q² में अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 3q² बचा।
अब क्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा जिसे हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फॉर्मेट क्या बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा 3m। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया आपके लिए 3m। अगर हम लोग यहां से देखें तो यहां से इन टू टर्म्स में आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचा 3q² + 2q + 1। अब q का टर्म सॉल्व करने पर इंटीजर आता है, तो ये पूरा टर्म सॉल्व करने पर हमारे पास इंटीजर आएगा जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया 3m + 1। चलिए ये टू फॉर्मेट्स को हमने सॉल्व कर लिए, अभी थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। तो थर्ड कंडीशन में अगर ये 4 है आपके पास, आप इसे स्प्लिट कर लीजिए, आप इसे क्या लिख लीजिए, 9q² + 12q + 3+1। अब आप देखेंगे कि 3 से लगा के यहां तक हमारे पास कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास 3q² + 4q + 1, और ये प्लस 1 बच गया, ये तो हमारे पास m की कंडीशन बन जाएगी इंटीजर की, तो ये फॉर्मेट क्या बना, ये फॉर्मेट बना हमारे पास 3m + 1। अब एक बार वापस से चलते हैं क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो आपने देखा कि अगर आपने उसका स्क्वायर कराया तो या तो वो फॉर्मेट बना रहा है 3m का और या फिर वो फॉर्मेट बना रहा है 3m + 1 का। क्लियर, तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस टाइप से हमें स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन करने होंगे और उन्हें इंटीजर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हमारे पास आगे इस चैप्टर में क्या कहता है, आप जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन HCF एंड LCM सिखाया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ना यार, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कोई भी नंबर हमें गिवन किया गया है और उसको हम लोग छोटे छोटे फैक्टर्स में स्प्लिट कर दें, भाई ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि फिर उन्हें और ज्यादा छोटे फ्रैक्शंस में हम लोग ना ब्रेक कर सकें। सच एज अगर हम लोग बात करते हैं 28 की, तो 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, तो देखिए 28 की अगर हम लोग बात करें, 2 से डिवाइड कराएं तो आएगा 14, 2 से डिवाइड कराएं तो आएगा 7, और 7 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आ गया। आपको तब तक फैक्टर्स फाइंड करने हैं जब तक 1 नहीं मिलता। अब आप देखें तो 28 के फैक्टर्स आपको क्या मिल गए, 2, 2 एंड 7। क्या आप 2 को और किसी टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, नेवर, नहीं कर सकते। 7 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम 1 से या फिर बाय इटसेल्फ के अलावा वो डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहां पर 2, 2, 7 ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इन्हें और ज्यादा फैक्टर्स में हम बिल्कुल भी नहीं ब्रेक कर सकते। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये तो हो गया हमें फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, कोई नंबर ले लीजिए आप, 612 एंड 1314। चलिए आपके पास ये नंबर्स आ गए, आपसे बोला गया है यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314। अब आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, HCF एंड LCM कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 612 के फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स, फिर 1314 के फैक्टर्स होने चाहिए, तभी तो हम लोग HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। तो चलिए कहीं सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग 612 की बात करें, 2 से डिवाइड कराइए, 2, 3 जा 6, 1 तो छोटा है भाई, 0 आ गया, 12 हो गया, 2, 6 जा 12, वापस से 2 से कराइए तो ये हो गया 153। अब किससे डिवाइड होगा, तो आप देख रहे होंगे 5 + 1 = 6, 3 = 9, यानी 3 के टेबल में आ रहा है ना, तो 3 से डिविजिबल है ये, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अभी भी 5 1 6, 6 भी 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया और आपको मिल गया 17। अब 17 तो भैया प्राइम नंबर है, तो ये मिल गए हमको फैक्टर्स 612 के, 2, 2, 3, 3 एंड 11। अब हम लोग किसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 1, 3, 1, 4 के। चलिए
1314 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 2 से डिवाइड कराते हैं, 2 6 जा 12, 1 एंड 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, हमारे पास आ गया 657, 657 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, वापस से 3 से डिवाइड करा दीजिए, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये आ गया आपके पास 73। अब क्या 73 किसी भी डिजिट से डिविजिबल है? नहीं, 73 तो डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 73 प्राइम नंबर है और ये हो गया हमारे पास 1। चलिए, तो हमारे पास फैक्टर आ गए 2, 3, 3 एंड 73, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, तो HCF, HCF में क्या काउंट करना है हमें? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी हमें कॉमन मिल रहा है वो सारे के सारे काउंटेड होंगे। तो हमें यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो 2, 3 एंड 3 हमने नोट डाउन किया। और HCF क्या मिल गया हमें? 3, 2 जा 6, 3 जा 18, हमें HCF मिल गया 18। अब हम लोग बात करेंगे LCM की। देखिए, जब हम LCM फाइंड करेंगे 612 एंड 1314 का, तो LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हमें कॉमन भी लेने हैं और उसके बाद जो भी फैक्टर्स बचेंगे वो सारे भी लेने हैं। तो 2, 2 तो ये 2 कॉमन हो गया, 3 एंड 3 ये तो हमने पहले ले लिए कॉमन, उसके बाद ये देखिए 2 ये आपको एक्सेप्ट करना है, ये 11 एक्सेप्ट करना है और ये 73 एक्सेप्ट करना है। इन सभी का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हो जाएगा हमारे लिए एलसीएम। चलिए कराइए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 का 11 से कराइए, तो 36 इंटू 36 ये हो गया आपके लिए 693, इसका 73 से कराइए तो क्या आएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 1 28, 3 3 जा 9, 2 11, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 9 जा 63, 4 67, कैरी हो गया 6, 7 3 जा 21, 6 27, 8 8 2 10, 7 1 9 10, 7 1 8 1 9, 7 1 8 2, तो आपके पास यहां से LCM आ गया 2 8 9 0 8, आपके पास LCM मिल गया आपको 28908। चलिए, यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग HCF एंड LCM फाइंड करते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को भी। अगर यहीं पर क्वेश्चन फ्लिप कर दिया जाए, क्या पूछता है क्वेश्चन, देखिए, अब आपने देखा कि यहां पर आपके पास 2 नंबर्स थे और आपने उनका HCF एंड LCM फाइंड कर लिया। अब अगर किसी कंडीशन में वो नंबर्स ही आपसे पूछ लिए जाएं और LCM HCF गिवन हो, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना है। कौन सा रिलेशन याद रखना है? उसके लिए आपको रिलेशन याद रखना है कि अगर आप A एंड B का HCF LCM कराते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई डिजिट A है और कोई डिजिट B, ठीक है, अब इन दोनों का अगर आपने HCF फाइंड किया और LCM फाइंड किया, तो उस कंडीशन में इनका क्या रिलेशन होगा? A मल्टीप्लाइड बाई B is equals to HCF multiplied by LCM, या फिर A and B अगर आपको confusing लग रहा हो, तो आप ये सोचिए कि आपके पास कोई भी 2 digits हैं, मान लीजिए आपके पास first digit है और ये second digit है, second number है, अब इन दोनों numbers का HCF और LCM के साथ क्या relation हो जाएगा? First number multiplied by second number is equals to HCF multiplied by LCM। अब इससे related हम लोग एक question करेंगे, तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल होता दिखाई देगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा हुआ है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। मतलब आपके पास 2 नंबर्स हैं और उनका HCF क्या है आपके पास? HCF है आपके पास 23, LCM क्या है? LCM आपके पास है 1449। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? If one of the number is 161, find the other. अगर उनमें से एक number 161 है, तो आपके लिए first number क्या हो गया? 161. Find the other. आपको second number find करना है. तो आपके पास relation पहले ही बता दिया गया. First number into second number is equals to HCF into LCM. आइए इस relation में जब हम लोग इन सारी की सारी values को place करेंगे, तो आपके पास मिलेगा first digit 161. मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF है आपके पास 23, तो HCF की जगह आपने 23 प्लेस कर दिया और LCM की वैल्यू है आपके पास 1449,
1449, चलिए ये भी हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अब ट्रांसपोज करेंगे जब हम लोग 161 को, तो ये जाएगा डिवाइड में, तो उस कंडीशन में हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, 23 मल्टीप्लाइड बाई 1449 डिवाइडेड बाई 161। चलिए जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 16 9 144 19 9, मतलब 161 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स। तो आपके पास सेकंड नंबर क्या आ गया, आपके पास सेकंड नंबर आ गया 23 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब आप मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए, 9 3 27 कैरी हो गया 2, 9 2 18 2 20, तो आपके पास सेकंड नंबर क्या आ गया, आपके पास सेकंड नंबर आ गया 207। तो यहां पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई कि अगर हमारे पास इन फोर क्वांटिटीज में से HCF, LCM, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इनमें से कोई भी क्वांटिटी अगर मिसिंग होती है तो हम इस रिलेशन से उस क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर में आपसे आगे क्या पूछा जाएगा, अब इस चैप्टर में आपसे आगे पूछा जाएगा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स HCF एंड LCM से ही रिलेटेड होंगी। तो HCF एंड LCM से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस टाइप से पूछी जाती हैं, आइए ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ये क्लियर होगा कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यूली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम लोग 28 एंड 32 से अगर डिवाइड कराते हैं तो दोनों कंडीशंस में, यानी 28 से डिवाइड कराएं तो 8 बचना चाहिए रिमाइंडर, और अगर 32 से डिवाइड कराएं तो हमारे पास बचना चाहिए 12 रिमाइंडर। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले नंबर्स क्या है आपके पास, आपके पास नंबर्स हैं 28 एंड 32। अब आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम लोग 28 और 32 से अगर डिवाइड कराते हैं तो बोथ कंडीशन में क्या बचता है, देखिए 28 की कंडीशन में 8 रिमाइंडर बचता है एंड 32 की कंडीशन में 12 रिमाइंडर बचता है। तो आपको यहां से क्या मिल गया कि आपने देखा कि यहां पर LCM में 20 एक्सीड कर रहा है, मतलब 20 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर फाइंड करेंगे 28 एंड 32 का LCM, और जो भी हमारे पास LCM आएगा उसमें हम इस वैल्यू 20 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अगर हम लोग 20 लेस कर देंगे तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा जिसे हम लोग 28 एंड 32 से जब डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली बचेंगे। चलिए LCM फाइंड करते हैं, तो 28 एंड 32 का LCM अगर हम लोग फाइंड करें, 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 14 और ये आएगा आपके पास 16, अगेन डिवाइडेड बाई 2 7.8, अगेन डिवाइडेड बाई 2 7.4, डिवाइडेड बाई 2 7.2, डिवाइडेड बाई 2 7.1, डिवाइडेड बाई 7 1.1। चलिए अब LCM की बात करते हैं, तो LCM क्या आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 एंड 7। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 1 टाइम्स 7, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 ज्यादा हो गया 1 टाइम्स 7। अब क्या होगा LCM, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यहां तक की तो हमने कैलकुलेशन कर ली भाई वन टाइम में, मल्टीप्लाइड बाय 7 कराना है, 7 2 14 7 3 21 21 + 1 224, LCM आ गया आपके पास 224। अब आपको वो रिक्वायर्ड है नंबर कि जिसे आप 28 एंड 32 से डिवाइड कराएं तो लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, तो 20 एक्सीड कर रहा था, तो यहां पर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपके लिए, LCM माइनस 20। तो LCM आपने फाइंड किया है 224, और अगर आप इसमें 20 लेस कराते हैं तो आपका आंसर मिल गया 204। चलिए तो 204 वो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिससे हम लोग 28 और 32 को, मतलब 28 एंड 32 से अगर हम लोग 204 को डिवाइड कराते हैं तो 8 एंड 12 रिमाइंडर बचना चाहिए। आइए चेक करते हैं, अगर हम लोग 204 से 28 डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, 8 बचेगा, बिल्कुल करेक्ट है, 32 से डिवाइड कराएंगे तो 32 से डिवाइड कराएंगे बिल्कुल 12 बचेगा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि चलिए इलेबरेट करके आपको बताते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि कहीं पर कोई बेल्स है, मान लीजिए टू बेल्स हैं ए एंड बी। अब इन दोनों का इंटरवल गिवन होगा आपको, मान लेते हैं कि ए हमारी 12 मिनट्स के बाद रिंग करती है और बी हमारी 16 मिनट्स के बाद रिंग करती है। तो अगर ये दोनों एक साथ 10 AM पर रिंग कर रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम कब ऐसा आएगा जब वो साथ में रिंग करेंगी? तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, उस कंडीशन में आपको इन बोथ वैल्यूज का एलसीएम फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम। और एलसीएम ही वो रिक्वायर्ड टाइम होता है जिस टाइम इंटरवल में ये दोनों साथ रिंग करेंगे। अब क्या ये क्वेश्चन सिर्फ बेल की कंडीशन में बनता है? नहीं, ऐसा बहुत सी जगह हो सकता है। मान लेते हैं आपके पास कोई डिवाइसेस है और वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में बीप कर रही हैं। मान लेते हैं ए, अच्छा जरूरी नहीं है कि टू ही डिवाइसेस हो सकता है थ्री डिवाइसेस हो। आपके पास ए बी सी थ्री डिवाइसेस हैं और ये बीप कर रही हैं, पहली आफ्टर 2 मिनट्स, सेकेंड आफ्टर 6 मिनट्स एंड थर्ड आफ्टर 10 मिनट्स। तो अगर ये तीनों 7 AM पर एक साथ बीप करती हैं, तो इसके बाद वो कौन सा रिक्वायर्ड टाइम होगा जिस टाइम पर ये तीनों एक साथ बीप करेंगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको इन सारी वैल्यूज का क्या फाइंड करने ना, एलसीएम। और जो भी एलसीएम आएगा वो उस टाइम इंटरवल के इक्वल होगा जिस टाइम इंटरवल के बाद वो वापस से एक साथ बीप करेंगी। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन और बनता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। अब ये एक इनिशियल पॉइंट ले लिया गया। अब इस इनिशियल पॉइंट में रवि खड़े हैं और यहीं पर खड़ी है सपना। मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं, रवि एंड सपना, और वो इस इनिशियल पॉइंट पर खड़े हैं। अब रवि ने कहा आओ राउंड लगाते हैं। तो रवि मान लीजिए इस एक सर्कल का जो राउंड है वो कंप्लीट करता है। यहां देख लीजिए, रवि जो है वो सर्कल का राउंड कंप्लीट करता है 8 मिनट्स में। सपना की स्पीड स्लो है और सपना ये राउंड कंप्लीट करती है 12 मिनट्स में। तो अगर वो एक साथ 8 AM पर रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वापस से वो कितने टाइम पीरियड के बाद मिलेंगे? तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, क्वेश्चन तो सेम है ना, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन चेंज कर दी गई है। तो उस कंडीशन में भी आपको इन वैल्यूज का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम ही वो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होगा जिस गैप के बाद वो दोनों के दोनों बच्चे वापस से एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। अब वो पॉइंट कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है क्योंकि उनके वेलोसिटीज तो चेंज है। चलिए अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिवाइस ए है जिसका जो बीप होता है वो आफ्टर 60 सेकेंड्स होता है। फिर क्या है, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। हमारे पास एक अनदर डिवाइस है, हमने लेट कर लिया कि डिवाइस बी है और उसका जो बीप है वो आफ्टर 62 सेकेंड आता है। ठीक है, दोनों में गैप है। पहले का जो बीप है डिवाइस ए का वो आफ्टर 60 सेकेंड होता है और जो डिवाइस बी है वो ईच एंड एवरी 62 सेकंड के बाद बीप करती है। चलिए, दे बीप टुगेदर एट 10 AM और आपसे ये भी कहा गया कि अगर वो एक साथ कब बीप कर रही है, 10 AM पर, वो 10 AM पर एक साथ बीप कर रही है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वो एक साथ बीप करती है 10 AM पर। तो नेक्स्ट ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो एक साथ वापस से बीप करेंगे? तो क्या सिखाया गया आपको, आपको सिखाया गया कि आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी आपको उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो आपके पास वैल्यूज क्या है, 60 एंड 62। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया 30, ये हो गया 31। अब 31 तो प्राइम नंबर है, 31 का तो कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 30 के फैक्टर्स पॉसिबल है। 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, ये तो 31 ही रहेगा। 3 से कराएंगे ये हो जाएगा 5, ये तो तब भी 31 ही रहेगा। 5 से कराएंगे ये हो जाएगा 1, ये तो तब भी 31 ही रहेगा। 31 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 and 1। चलिए अब उस कंडीशन में एलसीएम क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 31। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 31। ये आपके पास देखिए
आप इस वैल्यू को चाहें तो सॉल्व भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 1 6 6 3 18 एंड 0 1 8 6 0। ये जो हमारे पास यूनिट गिवन थी ये सेकंड में थी, तो इसका मतलब है 1 8 6 0 क्या आएगा हमारे पास, सेकंड। LCM आया आपके पास 1 8 6 0। LCM की कोई यूनिट नहीं होती है, अगर आप लोग सोचे कि LCM में सेकंड लगा हुआ है, मतलब आफ्टर वन, ये टाइम पीरियड मिला आपको कि आफ्टर 1 8 6 0 सेकंड वो वापस से एक साथ बीप करेंगे। अब 1 8 6 0 सेकंड है, अगर हम लोग इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 8 6 0, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप 60 से डिवाइड करा दीजिए, 0 इज कैंसिल्ड विद 0, 6 3 18, 6 1 6, इसका मतलब है 1 8 6 0 सेकंड अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 31 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि अगर वो 10 AM पर एक साथ बीप करती हैं तो नेक्स्ट रिक्वायर्ड टाइम ऐसा कौन सा होगा जब वो वापस से एक साथ बीप करेंगी, तो ये मिल गया आपको आफ्टर 31 मिनट। तो 10 AM के बाद अगर आप 31 मिनट काउंट करें तो 10:31 AM इज द रिक्वायर्ड टाइम जब वो दोनों वापस से एक साथ बीप करेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने मन में, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन समझते चलना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। चलिए अब इस चैप्टर में क्या है, जब आप इन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा रैशनल एंड इरेशनल का। तो रैशनल एंड इरेशनल क्या होते हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ना कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और रैशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग p अपॉन q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इसकी डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे, द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where q does not is equals to 0, आपको डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं रखना है। तो ये तो बात हो गई रेशनल नंबर की। अब एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, एग्जांपल 7 upon 9, 11 upon 6, 12 upon 7, ये सारे के सारे नंबर्स p अपॉन q के फॉर्मेट में हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे। ओके, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या 3 4 6 8 ये रेशनल नंबर्स हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ये रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि आप इन्हें अपॉन वन के फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं ना, तो ये सारे के सारे नंबर्स भी कैसे हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। तो आपने देखा कि कोई भी नंबर होगा अगर वो डायरेक्टली लिखा हुआ है तो वो कैसा नंबर है, वो रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो कैसा नंबर है, वो रेशनल नंबर है। अगर हम लोग 7 को 9 से डिवाइड कराएं तो कुछ ना कुछ आपके पास डेसिमल टर्म आएगा, 11 upon 6 में भी कुछ ना कुछ डेसिमल टर्म आएगा। तो जैसे कोई प्रॉपर चीज लिखी है such as 2.3, 4.67, तो ये टर्म्स भी कैसे हैं, रेशनल हैं। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि अरे यहाँ पर अगर नंबर्स रिपीट करते तो क्या होता, यहाँ पर बार लगा होता तो क्या होता, या फिर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करते रहते लेकिन सिमिलर ना होते तो क्या होता, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में। तो आइए हम लोग रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम लोग इसे क्लासिफाई करें तो यहां पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे इसे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां पर हमें टू टाइप्स पढ़ने हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक चीज याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग को ही हम लोग रिकरिंग भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग को ही हम लोग नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग रिकरिंग टर्म भी बोल सकते हैं। तो अगर कहीं पर टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल सेम चीजें हैं, और अगर कहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग लिखा हुआ है तो वो भी बिल्कुल सेम है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर टर्मिनेटिंग टर्म होता क्या है, तो एग्जांपल से समझते हैं। बाय चांस आपको दे दिया जाए 25 डिवाइडेड बाय 8,
क्या कराओगे आप, 25 को 8 से डिवाइड कराना है, तो 8 थीजा हो गया 24, आपके पास बच गया 1। अब या तो 1 रिमाइंडर लिख दो, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा नहीं पूरा पूरा डिवाइड कराना है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ा दिया, अब आपके पास वापस से 10 हो गया, 8 1 8, अब क्या हुआ भैया 10 - 8 2 बच गया, अभी भी 2 बच गया ना, तो पॉइंट तो लगाइए, वापस से जीरो बढ़ा दिया, 8 2 हो गया हमारे पास 16, तो 20 में 16 लेस करेंगे 4 आ गया, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, 8 5 14, अब हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, जीरो आ गया। तो अगर जीरो आ गया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जब 25 को 8 से डिवाइड कराया तो 3 के बाद पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आए लेकिन वो एक जगह पर जाके स्टॉप हो गए। तो याद रखना है टर्मिनेटिंग टर्म्स क्या होते हैं, जहां पर आपको जब डेसिमल एक्सटेंशन मिलता है या कोई भी फ्रैक्शन हो आप उसे डिवाइड कराएंगे तो डेसिमल के बाद किसी एक प्लेस पे जाके वो नंबर स्टॉप हो जाएगा, ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे यहां पर हमने देखा 3.1255, अगर अनदर एग्जांपल की बात करें 5.1376 फिर स्टॉप हो जाता। तो पॉइंट के बाद अगर कोई भी टर्म किसी भी प्लेस पे जाके 3 4 5 6 स्टॉप हो जाता है तो वो सारे के सारे टर्म्स कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। चलिए अब इसकी जगह पर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग यहां पर बात करें 10/3 की, हम लोग बात करें 10/3 की, 10/3 का क्या मतलब है, 10/3 का मतलब है कि 10 को डिवाइड कराना है 3 से, ठीक है 10 को डिवाइड कराते हैं 3 से, तो ये हो गया 3 3 9, आपके पास बच गया 1, अब आपके पास 1 बच गया, 1 तो 3 से छोटा है लेकिन हमें रिमाइंडर नहीं रखना है, तो आपने पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 9, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा 0 हो जाएगा, 3 3 9, इसी तरीके से आप सुबह से शाम तक सॉल्व करेंगे तो भी ये 3 कंटिन्यूस रहेगा, ये कभी भी फिनिश नहीं होगा, खत्म नहीं होने वाला है कि हाँ भाई पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 1 आए ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 कंटिन्यूस है। तो आपने देखा कि कोई एक प्रॉपर नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 6 नहीं, वापस से 3 3 3, तो यहां पर ऐसे नंबर्स में हम लोग बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे नंबर्स को। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग में याद रखना है कि जहां पर कोई प्रॉपर पैटर्न रिपीट कर रहा हो, ये चीज जरूर याद रखिएगा, पैटर्न रिपीट कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि जब आप इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो इरेशनल नंबर्स में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वहां पर भी आपको कंटिन्यूअस टर्म देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर कौन से कंटिन्यूअस टर्म देखने को मिलेंगे, वहां पर आपके पास कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा जो रिपीट हो रहा होगा, वहां पर जो डिजिट्स मिलेंगी वो सारी के सारे इम्प्रॉपर पैटर्न पर होंगी, और वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, वो सारे के सारे नंबर्स इरेशनल होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है, ये रेशनल होता है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल होता है तो इसमें क्या समझना है, इसमें समझना है कि डेसिमल एक्सपेंशन में कोई एक प्रॉपर पैटर्न रिपीट करेगा। सच एज एग्जांपल, आपने देखा कि यहां पर 3.3, अब ये 3.3 ही कंटिन्यूअस हो रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न आ रहा है। मान लीजिए आता 5.246, तो अगर ये 246 ही पैटर्न बार बार रिपीट होता जाए, 246 246 246, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अगर यहीं पर 6.12 12 12 12 ऐसा कुछ है, तो आपने देखा कि प्रॉपर पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। तो जब भी प्रॉपर पैटर्न रिपीट होगा ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए यहां से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब रेशनल नंबर आपने समझ लिया, टर्मिनेटिंग टर्म समझ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म समझ लिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच टर्म्स आर टर्मिनेटिंग। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप कैसे फाइंड करोगे भाई, जब डिवीजन कराओगे तब तो हमें पता, मान लीजिए मैं आपको रैंडमली कोई भी डिजिट दे दूं 17/7, अब मैं आपसे पूछूं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या कराओगे, आप तो भैया 7 से डिवाइड कराने लग जाओगे ना 17 को, और चेक करोगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए आइए चेक करते हैं, तो 7 2 क्या हो गया 14 हो गया, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 4 28, 2 आ गया 0, 7 2 14, तो ऐसे ही ये डिवाइड चलता रहेगा। तो यहां पर आपने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आ रहा है, मतलब
स्टॉप नहीं हो रहा है, या फिर कहीं पर जाके स्टॉप भी हो जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें ये डिवाइड ना कराना पड़े? तो जी हाँ, ऐसा तरीका है। क्या तरीका है? तो आपको क्या करना है, सच एज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको मैंने दे दिया 13/32, क्या दे दिया 13/32। तो आपको डिनोमिनेटर का जो भी यहां पर डिनोमिनेटर हो उसका फैक्टराइजेशन कराना है, मतलब उसके फैक्टर्स देखने हैं। और अगर वो फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2, 5, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 के फॉर्मेट में आ रहे हैं तो वो टर्म कैसा होगा? वो टर्म होगा टर्मिनेटिंग। या तो फैक्टर्स सिर्फ 2 के फॉर्मेट में हो, या तो सिर्फ 5 के फॉर्मेट में हो, या 2 और 5 बोथ फॉर्मेट्स में हो, तो वो टर्म कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और अगर आपके फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 कुछ भी आ जाते हैं, 3, 7, 9 कुछ भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो वो टर्म कैसा हो जाएगा? वो टर्म हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा तो आपको उसका डिनोमिनेटर देखना है, उसके फैक्टर्स देखने हैं। अगर वो 2, 5 या फिर 2, 5 बोथ के फॉर्मेट में आ रहा है तो वो टर्म टर्मिनेटिंग होगा, और अदर देन 2, 5 कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल 23/2³ × 5² सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है 24/125 और थर्ड एग्जांपल में लिखा हुआ है 73/343। चलिए अब हम लोग वापस से अपनी बात को याद करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन में देखें तो 2 और 5 का फॉर्मेट बन रहा है ना, तो 2 और 5 का फॉर्मेट बन रहा है तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। क्या हमें डिवीजन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो पहला जो नंबर है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, वो होगा आपके लिए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अगर हम लोग 24/125 की बात करें तो न्यूमरेटर को तो टच ही नहीं करना, अनटच्ड रखना है। 125 के फैक्टर्स कराएंगे तो 5, 5, 5, 5, 5, 5, 25, 5, 125। तो आपने देखा केवल और केवल 5 का फॉर्मेट बन रहा है, केवल और केवल 5 का फॉर्मेट बन रहा है, तो ये टर्म भी कैसा होगा हमारे लिए? ये टर्म भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो न्यूमरेटर तो अनटच्ड रखिए। 343 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो 7, 7 × 7 × 7 होता है ना, तो rather than 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ जाता है तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। याद रखिएगा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कराइए, 2 और 5 के फॉर्मेट में है तो टर्मिनेटिंग, और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और क्या पूछा जाता है रेशनल नंबर से? और हमें पूछा जाती है दो चीजें, देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनका कन्वर्जन कैसे होता है। फर्स्ट कन्वर्जन होता है फ्रैक्शन टू डेसिमल, फर्स्ट कन्वर्जन होता है फ्रैक्शन टू डेसिमल। ये तो बहुत इजी है यार, हम लोग बचपन से करते आए हैं। बाय चांस मैं आपको दे दूं 25/100, ये फ्रैक्शन है और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप तुरंत बता दोगे 0.25 आएगा। बाय चांस कोई ऐसी डिजिट आ जाती है जो कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए आपको दे दिया गया 32/9, अब डायरेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसे डिवाइड करा लो 9 और यहाँ लिखा आपने 32, तो ये हो गया 9 × 3 = 27, आपके पास बच गया 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 × 5 = 45, फिर से 50 आएगा। तो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर आंसर आपको मिल गया 3.5 बार, मतलब जो भी पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार उस पर हम लोग एक लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है, शो करती है कि ये नंबर बार बार रिप्रेजेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है 3.55555 एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर हम लोगों को फ्रैक्शन से डेसिमल फाइंड करना होगा तो बहुत इजी मेथड है, हम लोग बचपन से सीख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन में इसी चीज को कन्वर्ट कर दीजिए, रिवर्ट कर दीजिए। अगर हम लोगों को फाइंड करना हो डेसिमल टू फ्रैक्शन, अगर हम लोगों को फाइंड करना हो डेसिमल टू फ्रैक्शन तो हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल टू फ्रैक्शन की कंडीशन में मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डेसिमल, अब अगर वो डेसिमल बिल्कुल छोटा सा है, मान लिया जाए कि जैसे 6
0.259 ये है हमारे पास डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग में तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि इस कंडीशन में अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में हमें जीरो बढ़ाने होंगे और इसके बाद इसकी वैल्यू को सिंपल कर लीजिए। अगर सिंपल हो रही है तो जस्ट लाइक सेकेंड एग्जाम्पल 5.25 दे दिया गया, तो आप क्या करा दोगे 525/100 और इसी की वैल्यू को सिंपल फॉर्मेट में लिख दीजिए जितना भी सिंपल आप कर पाइए। तो ये बहुत इजी है जब हमारे पास कैसे हो टर्मिनेटिंग टर्म्स हो। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 0.8 बार का हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया 0.8 बार। अब ये तो डेसिमल है और इसे रिप्रेजेंट करना है हमें फैक्टर फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा देखिए 0.8 बार का क्या मतलब है, 0.8 बार का मतलब है कि 0.888 एंड यही डिजिट कंटिन्यूअस आगे इंक्रीज कर रही है हमारी, 888 आता चला जा रहा है। इस वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, इस वैल्यू को हमने लेट कर लिया x। चलिए ये वैल्यू हमारे पास x हो गई। अब ये वैल्यू अगर x हो गई फिर आपको देखना है कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो सिंगल डिजिट था जो रिपीट हो रहा है, तो अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई कराना है, अगर डबल डिजिट या टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कराना है, और अगर यहीं पर थ्री डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब जितने भी हमारे डिजिट्स इंक्रीज होंगे उतने ही आपको जीरोस इंक्रीज कर देने हैं। तो यहाँ पर वन डिजिट था तो आप किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 का। चलिए तो 10 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो 10x हो गया, और 0.888 में अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 8 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 8.888 एंड सो ऑन। अब आपको वैल्यू थोड़ी उल्टी लग रही होगी या फिर आप x को नीचे लिख लीजिए, चलिए नीचे ही लिख लीजिए, तो x is equals to क्या है 0.888 एंड सो ऑन। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराइए, तो 10x से अगर आप x को सब्ट्रैक्ट कराते हो तो 10x माइनस x क्या बचे आपके पास 9x। यहां से पॉइंट के बाद वाली चीजें तो जीरो हो जाएंगी, 8 माइनस 0 आपके पास आ गया 8, और x की वैल्यू हो गई आपके पास 8/9। मतलब 0.8 बार का जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है इसका, वो है 8/9। अब यहीं पर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई टू डिजिट्स हो जाए, मान लेते हैं सेकंड कंडीशन में 0.24 और 24 दोनों में बार लगा हुआ है, अब क्या करेंगे। तो प्रोसेस हमारे पास सेम है, अगर हम लोग देखें तो 0.24 बार का क्या मतलब है, 0.24 बार का मतलब है 0.24 24 24 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू हमारे लिए हो गई x, ठीक है, ये वैल्यू x हो गई हमारे लिए। अब यहाँ पर टू डिजिट्स में बार लगा हुआ है, तो अभी आपको क्या बताया गया कि अगर टू डिजिट्स में बार है तो आप 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100x is equals to 100 का कराएंगे तो टू डिजिट्स बाहर आ जाएंगे, तो ये हो गया 24.2424 एंड सो ऑन। वापस से x की डिजिट नोट डाउन कर लीजिए, तो x क्या है आपके पास 0.2424 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो अगर हम लोग 100x में x को सब्ट्रैक्ट कराएं तो ये हो गया 99x। देखिए पॉइंट के बाद वाली कंडीशन तो जीरो हो जाएगी, 24 माइनस जीरो हो गया आपके पास 24, और x की वैल्यू क्या आ गई 24/99। अब आप चाहें तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे 24 8 3 24 और ये 33 3 99, तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया 8/33। ये वो फ्रैक्शन, देखिए ये रहा होगा वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.24 बार। क्लियर, तो यहां तक की बात भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो रेशनल नंबर का पार्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। तो इरेशनल नंबर्स में आपको पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसी रूट वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, जैसे हम लोग बात करें √1, √3, √4, √6, √9, √11 की, तो यहाँ पर √1, √3 की क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, नहीं है। इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है क्या, नहीं। √4 की बात करें तो √2 × 2, ये तो 2 बाहर आ जाएगा। √6 का नहीं है, √11 का नहीं है, √9 से 3 बाहर आ जाएगा। तो जिन रूट वैल्यूज के स्क्वायर रूट पॉसिबल हैं वो कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, और जिनके नहीं है वो कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। अच्छा, उसके अलावा क्या है इरेशनल नंबर्स, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऐसे टर्म्स भी कैसे होते हैं, ऐसे टर्म्स भी होते हैं इरेशनल। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देके बात करते हैं कि कैसे। अगर हम यहां पर लिखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 0.24244244 एंड सो ऑन, हमने टर्मिनेटिंग में क्या पढ़ा था, चीजें स्टॉप हो जाती हैं, यहां पर हो रही है क्या, नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या पढ़ा था, ये प्रॉपर पैटर्न रिपीट होता है, क्या यहां पर प्रॉपर पैटर्न है, यहां 24 है, यहां 244 है, यहां 2444 है, आगे चल के और ज्यादा इंक्रीज करेंगे फोर्स, तो ना तो यहां पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही स्टॉप हो रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म है और ऐसे ही नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग बात करें 1.36336 3336 एंड सो ऑन, यहां पर भी देखिए 36 है, फिर 336 है, 3336 है, आगे 3 और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो ये कैसा टर्म हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म हुआ। और ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो यहां पर आपको इरेशनल फाइंड करने के लिए नहीं आएगा, या फिर यहां से कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी, यहां से आपसे पूछा जाएगा रिप्रेजेंटेशन, आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, आपको कोई भी एक डिजिट दे दी जाएगी और ये प्रूव करना होगा कि ये डिजिट इरेशनल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो कोई भी डिजिट सच एज √2, √3, √5, √7 कोई भी डिजिट आपको दी जा सकती है। तो अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। मान लेते हैं कि हम लोग √3 का एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो जब भी आपको कोई भी डिजिट ऐसी इरेशनल प्रूफ करने इज इरेशनल, आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आएगी इरेशनल, तो जब भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए आएगी तब आप क्या करेंगे, तब आप जब भी उसका देखिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये प्रोसेस बिल्कुल इजी है लेकिन अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो, अदरवाइज हो सकता है आप कंफ्यूज रहो, तो उससे बेटर है आप अच्छे से समझिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट थ्री को रेशनल लेट करना है, तो यहां पर लेट करेंगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। आपने लेट कर लिया कि √3 क्या है, √3 एक रेशनल नंबर है। अब अगर √3 रेशनल नंबर है तो इस √3 को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, a अपॉन b, p अपॉन q, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पर a एंड b आर इंटीजर्स एंड There are no common factors between A and B rather than one. इन दोनों का कोई भी common factor नहीं है और denominator कभी भी zero नहीं हो सकता। ये चीज आपने पहले ही clarify कर दी कि अगर √3 को आप a upon b के format में लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते थे a and b are co-prime numbers, a एंड b आर इंटीजर्स, या फिर देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन a एंड b रादर देन 1, ये लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए a एंड b आर को प्राइम नंबर्स वेयर b डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इनका स्क्वायर कराएं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर कराएंगे तो √3 का स्क्वायर मिल गया आपको 3, यहां से मिल गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, अगर वैल्यूज ट्रांसपोज करें b square is equals to क्या आ गया a square by 3। अब a square by 3 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a square divides by या divisible by 3। अब अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा, दैट मीन्स a, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर देते हैं, तो यहां से आपको मिला a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब है a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी चीज का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा, सच एज मान लो 5 है और 5 मैं बोलता हूं 5 से डिविजिबल है, तो 5 का स्क्वायर 25 भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना। अगर 8 है 2 से डिविजिबल है तो 8 का स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा ना, तो इसी से बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा, ठीक।
अब देखिए इतनी चीज तो हो गई हमारे पास कि हमने ये प्रूव कर दिया कि a 3 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर 3 कोई नंबर है जो a को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन में अब हम क्या करते हैं, अब a की जगह क्या लेट कर लें, 2 3c, a की जगह हमने 3c लेट कर लिया। आप यहाँ पर प्लेस करिए जरा, a की जगह या तो यहीं प्लेस करा दीजिए या यहाँ प्लेस करा दीजिए, बात एक ही है। अगर हम लोग a की जगह 3c प्लेस कराएं तो ये हो गया रूट 3 इज इक्वल्स टू 3c बाई b, अगर स्क्वायरिंग कराते हैं तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 3 3 9, अगर ये 3 हम लोग देखिए इस चीज को अगर हम लोग देखें तो b स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर इस यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि जो b होगा ना b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आपने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, देखिए a एंड b आर इंटीजर्स एंड देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन a एंड b रेदर देन 1, कि a एंड b के बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर a 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मींस टू से 3 कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, तो आपकी जो सपोजिशन थी, आपका जो एजम्पशन था, आपने जो सपोज किया था वो तो रॉन्ग हो गया ना, गलत हो गया। तो यहां पर आप लिखेंगे सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर एजम्पशन, सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर एजम्पशन, आपका जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, बिल्कुल। अब आपका एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया सो वी कैन से दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है, क्लियर। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से रूट 2, रूट 5, रूट 7 या फिर रूट 11 आपको प्रूव करना हो तो सेम प्रोसेस है और सेम प्रोसेस से ही आप प्रूव कर सकते हैं। क्या इसके अलावा इन डिजिट्स में कोई चेंजिंग होती है, हाँ जी, यहाँ पर आप देखें तो एक ही नंबर दिया है आपको, हो सकता है यहाँ पर आपको 2 नंबर्स दे दिए जाएं, तब आप क्या करेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, आइए देखते हैं कि अगर यहीं पर आपको 2 नंबर्स दे दिए जाएं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पर आपको 2 नंबर्स दे दिए जाएं, सच एज दे दिया जाए प्रूव दैट 4 - √3 इज इरेशनल। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के 2 मेथड्स हैं आपके पास, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो आइए 1 by 1 दोनों के दोनों मेथड सीखते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लेट करना होगा, लेट 4 - √3 इज रेशनल, 4 - √3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे आप a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यहां पर 4 - √3 क्या हो गया, ये हो गया a बाई b। इस कंडीशन में अगर हम लोग रूट 3 को ट्रांसफर करें, a अपॉन b को ट्रांसफर करें, तो ये हो जाएगा 4 - a/b इज इक्वल्स टू रूट 3। अब अगर LHS देखें तो LHS हमारा क्या आ रहा है, पूरा का पूरा रेशनल आ रहा है, तो यहां पर 4 - a/b इज रेशनल और ये इक्वल है रूट 3 के, सो रूट 3 इज मस्ट बी रेशनल, तो इसे भी हम रेशनल होना चाहिए था। बट पहले भी हम प्रूव करके आए रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, सो अवर एजम्पशन गोज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया और हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 - √3 कैसा नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। ये तो हुआ आपके पास मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड में आप अगर किसी भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर प्लस या माइनस कराएंगे तो रेशनल मिलेगा, 4 - √3 अगर हम लोग रेशनल लेट कर लें और इसमें हम लोग -4 या 4 सब्ट्रैक्ट कराएं तो भी तो ये रेशनल होनी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग 4 - √3 में 4 लेस कराएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -√3 जो कि रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, इरेशनल है। तो वहां पर भी हमारा जो एजम्पशन है, हमारी जो सपोजनेस है,
वो रॉन्ग हो जाएगी और हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा। उस कंडीशन में भी आप 3, 4 - √3 को क्या कर सकते हैं, इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर की जिसका नेम है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के लगभग लगभग सारे के सारे की पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा इस सेशन को। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम लोग टर्म 1 के सारे चैप्टर्स 1 by 1 बहुत ही जल्दी कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आपके टर्म 1 में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बने रहना है एजुस्विच के साथ, बने रहना है अपने फ्रेंड एंड गाइड योगेश सर के साथ, और हम लोग बिल्कुल साथ मिलकर कुछ तो अच्छा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम लोग।